हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि नवंबर में रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, जनवरी में जेई मेन होगा या नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी सुने होंगे, काफ़ी सारे लोगों के आंसर भी सुने होंगे। मैं आप लोग को दोस्तों वो आंसर देना चाहता हूँ जो मैं अपने प्लस स्टूडेंट्स को देता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरी मेंटरशिप में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल एग्जामिनेशन देते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आईआईटी भी क्लियर करते हैं, तो मैं आप लोगों को गलत एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एनटीए के बारे में एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, वो ये है, फॉर एनटीए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द वर्स्ट। क्योंकि एनटीए कभी भी आपको ऐसा खुश होने का मौका तो देता ही नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैं आप लोगों को अलग अलग सिनेरियोज बताता हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताए हैं। जो मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने क्या बताया है, जो मेरे ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको क्या बताया है। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैंने अपने सभी बच्चों को ये बोला है कि जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर रहो। पहली बात तो ये वर्डिक्ट, इसका मतलब मैं ये इंप्लाय नहीं कर रहा हूं कि मुझे पता है कि जनवरी में अटेम्प्ट होगा ही होगा, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, देर आर नो टू वेज अबाउट इट। तो मेरे जो जितने भी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको एक रिविजन प्लान दिया है। उस रिवीजन प्लान को, अगर वो रिवीजन प्लान अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस रिवीजन प्लान को फॉलो कर सकते हैं। मैंने वो रिवीजन प्लान दिया है। उस रिवीजन प्लान के तहत स्ट्रिक्टली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स 31 दिसंबर तक हम लोग रिवीजन कंप्लीट करेंगे। 30th नवंबर तक मैंने उनको बोला है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 31 दिसंबर तक एक फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन करें। फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन के लिए कुछ प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी और जो जेई मेन के PYQs हैं वो आपको मिलेंगे। जेई मेन 2022 के जो टेस्ट हैं एज अ टेस्ट सीरीज आप लोगों को फॉलो करने होंगे। जेई मेन के 22 के पेपर अगर आप लाइव सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका भी टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेकंड, अगर मैं बात करूं ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, विजिबली डिस्टर्ब्ड हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिपरेशन ही अगस्त में स्टार्ट की थी या सितंबर में स्टार्ट की थी जब रिजल्ट आया था। कुछ लोगों को काउंसलिंग में अच्छी सीट्स नहीं मिली, तो कुछ लोगों ने नवंबर में भी स्टार्ट की, तो इन बच्चों को मार्च तक का टाइम तो एटलीस्ट चाहिए सही। हमारे जितने भी बैचेस अन अकेडमी प्लस पे भी चल रहे हैं, हम लोग एंड कर रहे हैं उनको मार्च में। अब मैं अपने ड्रॉपर स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने अपने सभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स को ये बोला है कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको आप एटलीस्ट खत्म कर लीजिए 31 दिसंबर तक, विदाउट रिवीजन भी चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर, 3D एक साथ ये मानता हूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये चार चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी ही करनी, क्योंकि 11th तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ही ली होगी ऐसा मैं मानता हूं। इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कीजिए। सेम जो लिस्ट है ना, 4 से 5 चैप्टर्स की जो हाई वेटेज है वो आप प्रिपेयर कीजिए, फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। आप इसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं हमारी अमेजिंग टीम से, अजीत लुल्ला सर, अभिलाष सर इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में आप साक्षी मैम से गाइडेंस ले सकते हैं इसके अंदर कि उनको क्या करना चाहिए। बट आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना टाइम आप इस चीज़ में वेस्ट करेंगे ये सोचने में, इस चीज़ को सोच के डिप्रेस होने में कि जेई मेन जनवरी में हो सकता है, वो टाइम दोस्तों आप लोग वेस्ट कर रहे हैं जहां पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर इन करके अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आप लोग को वो एडवाइस दे रहा हूं जो रियलिस्टिक है ना, मैं आप लोग को ऑप्टिमिस्टिक एडवाइस नहीं दूँ, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव व्हेन यू आर इन कॉम्पिटिशन यू हैव टू बी रियलिस्टिक फर्स्ट देन ऑप्टिमिस्टिक। और मैंने ये चीज देखी है, अगर आप पूरी शिद्दत से फाइट मारते हैं ना तो कुछ चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, है ना। ऐसा होगा कि जेई मेन के अंदर जैसे आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है ना, बहुत चीज़ें से आप बहुत अच्छे से आप लोगों ने अप्रोच बनाया है अपना रिवीजन करने के अंदर, तो जो चीज़ें आपने छोड़ रखी होंगी ना शायद वो एग्ज़ाम में ना आए, आपकी शिफ्ट में ना आए। अगर जनवरी में एग्ज़ाम हो भी जाता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। ये चीज़ पर फोकस कीजिए कि ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ है। जैसे जेई मेन 22 में मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आया तो सभी बच्चों के लिए आया। मेरा एक स्टूडेंट है उसके 58 मार्क्स आए फिर भी 99.9% आए लाई, क्योंकि उसको ये चीज़ रियलाइज थी कि पेपर के अंदर मैथमेटिक्स सभी बच्चों की टफ आई थी। तो यही चीज़ आप लोग रखिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, रिविजन करते रहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं
वन शॉट से अगर आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है तो हमारी बाउंस बैक सीरीज है। अगर आप चाहते हैं कि आप दिसंबर तक तो खुद सिलेबस कंप्लीट करें तो बाउंस बैक 1.0 भी आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को इस चीज़ से क्लैरिटी मिली होगी। जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर JEE 23 की रिविजन प्लानिंग है, आप उसको चाहें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, आप लोग चाहें तो JEE Main 22 के जो टेस्ट हैं वो ले सकते हैं। PG लाइव कोड यूज़ करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप लास्ट के 3 महीने में ऑल स्टार बैच में पढ़ना चाहते हैं तो धन्यवाद।